कहानी की शुरुआत में हमें साल 2050 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम साइंटिस्ट की एक टीम को देखते हैं जो मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करती थी। दरअसल मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी ताकि वो इंसानों के जीन्स को म्यूटेट करके उन्हें सुपर ह्यूमन बना सके, मगर ये लोग ये एक्सपेरिमेंट इंसानों की भलाई या देश की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने और अपने निजी कामों को पूरा करने के लिए किया करते थे। मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए गए म्यूटेंट्स को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सरकार की नजरों में ये काम इलीगल था, इसलिए दुनिया भर की एजेंसीज मेडुसा के पीछे पड़ी हुई थी ताकि वो मेडुसा के द्वारा इंसानों पर किए जा रहे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स को रोक सके। अब हम एक एजेंट किंग को देखते हैं जिसे मेडुसा के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पकड़ा हुआ था। वो लोग किंग की बॉडी में जीन इंडक्शन सॉल्यूशन इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो उसे एक पावरफुल म्यूटेंट बना सके। वो लोग अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर इससे पहले कि वो लोग किंग की याददाश्त मिटा पाते, वहाँ पर बहुत सारे एजेंट आ जाते हैं और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। वोंग जो टीम का लीडर था, वो लैब में लगी चिप को निकाल लेता है जिसमें उन सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन थी जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। चिप लेने के बाद वो किंग को आज़ाद कर देता है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। अब हम कैथरीन को देखते हैं जो उन लोगों पर नज़र रखे हुए थी। जब उसे इस बात का पता चलता है कि लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तब वो एक क्रीचर जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसे आज़ाद कर देती है। वो क्रीचर उन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। वो लोग उस क्रीचर पर लगातार फायरिंग करते हैं, मगर उस पर गोलियों का जरा भी असर नहीं होता। किंग उस क्रीचर पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो क्रीचर किंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो किंग को उठाकर दूर फेंक देता है। किंग समझ चुकी थी कि वो लोग इस क्रीचर से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो उस क्रीचर को लैब में ही लॉक कर देती है और बाकी लोगों को लेकर बाहर आ जाती है। मगर इससे पहले कि वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल पाते, कैथरीन जो सीसीटीवी के थ्रू उन लोगों पर नज़र रखे हुए थी, वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कैथरीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन किंग जो कि अब एक म्यूटेंट बन चुकी थी, उस पर उसकी पावर्स का जरा भी असर नहीं होता। वो वोंग को होश में ले आती है। होश में आने के बाद वो कैथरीन पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे उठाकर दूर फेंक देती है और उसे बहुत मारती है। वोंग जानता था कि वो कैथरीन से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो किंग को एक चिप देता है जिसमें मेडुसा के सभी लीगल एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी थी। किंग कैथरीन से फाइट करके उसे मारने की कोशिश करती है, मगर किंग ने अभी तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, इसलिए कैथरीन उसे बहुत मारती है और उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। कैथरीन किंग को मारने ही वाली होती है कि तभी किंग की बॉडी में जेनेटिक फ्यूजन होने लगता है, जिसके चलते उसकी आंखें नीली पड़ जाती हैं। मूवी का सीन चेंज होता है और हम ली यंग सुन को देखते हैं जो मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड जमा करने का काम किया करता था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखने के लिए उसे बहुत सारे फंड की जरूरत थी, इसलिए उसने शहर के बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर रखी थी जो एक्सपेरिमेंट से तैयार किए गए म्यूटेंट्स को खरीदते थे और उन्हें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, ली म्यूटेंट्स को एक दूसरे से लड़वाता था ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को सबसे ताकतवर म्यूटेंट दे सके। ली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लैडिएटर एरिया में जाता है, जहाँ पर हम लियाओ को देखते हैं जो अपने अपोनेंट म्यूटेंट ह्यूगो से लड़ रही थी। लियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा रॉक स्ट्रक्चर बनाती है और ह्यूगो को उस रॉक स्ट्रक्चर के नीचे कुचलकर मार डालती है। ये देखने के बाद ली यंग सुन काफी खुश होता है और वो ग्लैडिएटर एरिया से बाहर आ जाता है। अब हम किंग को देखते हैं जो कि सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक कमरे में पाती है। जॉन जिसने उसकी जान बचाई थी, वो किंग के पास आकर उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन क्योंकि किंग की याददाश्त तब जा चुकी थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बता पाती और उसे उठाकर दूर फेंक देती है और कमरे से बाहर आ जाती है।
जाती है। किंग को इस तरह बाहर देख जॉन उससे कहता है, हमें यहाँ से चलना होगा, अदरवाइज हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसा कहकर जॉन उसे वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी किंग की नज़र एक इलेक्ट्रीशियन पर जाती है जो कि नीचे गिरने वाला था। वो उस इलेक्ट्रीशियन और बाकी लोगों को पलक झपकते ही बचा लेती है। अपनी इस काबिलियत को देख कर वो भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। लेकिन एक कैमरा जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, वो किंग की सारी इन्फॉर्मेशन ली यंग सुन को भेज देता है। अब हम मेडुसा के लोगों को देखते हैं जो किंग को पकड़ने के लिए वहां पर आ चुके थे। वो लोग किंग पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग की पावर्स अब पहले से काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जॉन जो ये सब छिपकर देख रहा था, वो किंग के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन किंग उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिसके बाद जॉन उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो किंग को बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसकी मदद करना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ ली को जब अपनी इस हार के बारे में पता चलता है, तब वो खुद को शांत करने के लिए एक मंदिर में आकर बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच वहां पर एंजेला आ जाती है, जो कि अब तक की सबसे पावरफुल म्यूटेंट थी। वो ली की नाकामी को लेकर उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है, तुम्हें यहाँ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए रखा गया है, ना कि ऑर्डर देने के लिए। ऐसा कहकर एंजेला वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो लियाओ जो कि क्लास ए की म्यूटेंट थी, उसे किंग को मारने के लिए भेजती है। अब हम जॉन को देखते हैं जो किंग की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो उसकी मेमोरी वापस ला सके। वो फेस रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वो किंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। किंग जब अपनी पॉकेट चेक करती है तब उसे एक चिप मिलती है। किंग को लग रहा था कि इस चिप में जरूर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए वो चिप जॉन को दे देती है ताकि वो उसे डिकोड कर सके। मगर इससे पहले कि जॉन चिप को डिकोड कर पाता, लियाओ उन दोनों पर हमला कर देती है। लियाओ किंग से चिप मांगती है, लेकिन किंग उसे चिप देने से मना कर देती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। लियाओ किंग से बचने के लिए एक खंडहर में आ जाती है। लियाओ और किंग दोनों चिप को लेकर एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन लियाओ जो किंग से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, वो किंग को बहुत मारती है और उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। इससे पहले कि लियाओ किंग को मार डाले, जॉन वहां पर आकर वो चिप लियाओ को दे देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लियाओ चिप लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी किंग की बॉडी में जेनेटिक फ्यूजन होने लगता है। किंग अब लियाओ से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसलिए वो लियाओ को बहुत मारती है और उससे चिप भी वापस ले लेती है, क्योंकि लियाओ अपने इस मिशन में फेल हो चुकी थी। इसलिए मेडुसा लियाओ के सिर में लगी चिप को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब हम एक ड्रोन को देखते हैं जिसे ली यंग सुन ने भेजा था और जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। ली एंजेला से कहता है, कोई इतना भी बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो अपने बेस्ट वॉरियर को मार कर अपने एनिमी को जिंदा जाने दे। ली एंजेला की इस नाकामयाबी को लेकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे ताना मारता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर एल आ जाता है, जिसने मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। मिस्टर एल उन दोनों से कहता है, तुम दोनों चाहे कुछ भी करो, मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए और उसके पास जो चिप है वो भी। अब हम किंग को देखते हैं जिसे जेनेटिक फ्यूजन के बाद से लगातार दौरे आ रहे थे, लेकिन जॉन की आंटी किंजी किंग की बॉडी में जीन इंडक्शन सॉल्यूशन इंजेक्ट करके उसे फिर से स्टेबल कर देती है। किंग समझ चुकी थी कि उसे हर जेनेटिक फ्यूजन के बाद खुद को स्टेबल रखने के लिए जीन इंडक्शन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो जीन इंडक्शन सॉल्यूशन लेने के लिए एक क्लब में आती है, जहां पर उसकी मुलाकात रिक से होती है। किंग रिक से जीन इंडक्शन सॉल्यूशन मांगती है, लेकिन रिक उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मेरे पास बहुत ही कम सॉल्यूशन बचा है और जब से कैथरीन की डेथ हुई है तब से सॉल्यूशन की सप्लाई भी बंद हो गई है, इसलिए मैं ये सॉल्यूशन तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा कहकर रिक उसके शरीर पर हाथ फेरता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और सारा सॉल्यूशन लेकर वहां से भाग जाती है। किंग जानती थी कि मेडुसा के लोग कभी
कभी भी उस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो सब कुछ पता लगाने का फैसला करती है। किंग ने आखिरी बार रिक के मुंह से कैथरीन का नाम सुना था, इसलिए वो मेडुसा के प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर कैथरीन काम किया करती थी। हॉस्पिटल में आने के बाद उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से उसे यहाँ पर लाया गया था। यही नहीं, उसे कैथरीन भी याद आ जाती है जो उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर सोल्जर बना सके। दरअसल किंग एक एजेंट थी और उसके कैप्टन ने उसे मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन में भेजा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। लेकिन जब मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने किंग को बंदी बना लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि किंग को अब सब कुछ याद आ चुका था, इसलिए वो लैब में मौजूद सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है ताकि वो मेडुसा को एक्सपोज कर सके। एंजेला, जो उन दोनों पर नजर रखे हुए थी, वो उन दोनों से कहती है कि अगर तुमने एक घंटे में चिप वापस नहीं की तो मैं स्ट्रीट में मौजूद सभी लोगों को मार डालूंगी। जॉन और किंग दोनों ही ये सब देख रहे थे, मगर किंग को स्ट्रीट में मौजूद किसी की भी कोई चिंता नहीं थी। वो तो मानो बस अपना मिशन पूरा करना चाहती थी। किंग के इस बिहेवियर को देखकर जॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है, अगर तुम्हारा मिशन मासूम लोगों की जिंदगी बचाना नहीं है तो तुम्हारे इस मिशन का क्या फायदा। मगर किंग उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहां से चली जाती है। जॉन जानता था कि अगर उसने एंजेला को चिप वापस नहीं लौटाई तो वो स्ट्रीट में मौजूद सभी लोगों को मार डालेगी, इसलिए जॉन अपने लोगों को बचाने के लिए एंजेला से फाइट करने का डिसीजन लेता है। जॉन एंजेला से फाइट करने के लिए फील्ड में आता है जहां एंजेला पहले से ही अपने लोगों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फॉर्मेशन अपने कैप्टन को दे देती है। किंग अपने कैप्टन से कहती है कि हमें जॉन की मदद करने के लिए सोल्जर्स को भेजना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। जिस पर कैप्टन उससे कहता है, ये हमारा काम नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किंग को अब जॉन की बातें धीरे धीरे समझ आ रही थी, इसलिए वो जॉन की मदद करने का फैसला करती है और एंजेला से फाइट करने के लिए जॉन के साथ आकर खड़ी हो जाती है। अब हम ली यंग सुन को देखते हैं, जो कि एक ड्रोन की मदद से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को ताकतवर म्यूटेंट दिखाकर भारी बोली लगाने के लिए मजबूर कर सके। एंजेला के लोग किंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किंग एक एक करके उन्हें मार डालती है। लड़ाई के दौरान एंजेला जॉन को पकड़ लेती है और उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे मार डालती है। जॉन को मारने के बाद एंजेला किंग से फाइट करती है और उसे बहुत बुरी तरह मारती है। फाइटिंग के दौरान किंग की बॉडी में दोबारा से जेनेटिक फ्यूजन होता है और वो एंजेला को उठाकर दूर फेंक देती है। एंजेला किंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन किंग उसका गला काट कर उसे मार डालती है। एंजेला को मारने के बाद किंग मेडुसा के हेडक्वार्टर में आती है जहां पर ली यंग सुन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। ली यंग सुन किंग से कहता है, हम दोनों ही एक परफेक्ट ह्यूमन हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और इस पर राज कर सकते हैं। किंग उससे कहती है, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसे मासूमों की बलि से बनाया गया हो। ऐसा कहकर वो ली पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे बहुत मारता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वो किंग का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच किंग की बॉडी में दोबारा से जेनेटिक फ्यूजन होता है जिसके चलते उसकी पावर्स और बढ़ जाती हैं। वो खुद को ली के चंगुल से आजाद कर लेती है और उसे बहुत मारती है। ली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके किंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग अपनी तलवार ली की बॉडी के आर पार कर देती है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। ली को मारने के बाद किंग जॉन के घर वापस आती है और उसे याद करने लगती है, लेकिन उसी समय वहां पर जॉन आ जाता है जो कि अभी तक जिंदा था। यहां पर हम देखते हैं कि जॉन भी अब एक म्यूटेंट बन चुका है और वो यहां पर सिर्फ किंग से मिलने आया है ताकि वो उसके साथ मिलकर एक नए फ्यूचर की शुरुआत कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।